दोस्तों, ये करंट अफेयर का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम टोक्यो पैरालंपिक के करंट अफेयर के बारे में बताएंगे। इससे पहले भी फर्स्ट वीडियो में खेल से रिलेटेड टोक्यो ओलंपिक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो है प्ले लिस्ट में जो है उपलब्ध कराया गया है। अगर आप सोचते हैं कि पैरालंपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि भारत जो है 1968 से 2016 तक के पैरालंपिक में सिर्फ जो है टोटल जो है इतने दिनों की बात करें तो 12 पदक ही जीते थे। कितने? 12 पदक ही जीते थे। इसलिए ओलंपिक से तो बीपीएससी में क्वेश्चन आता था लेकिन पैरालंपिक को जो है इग्नोर किया जाता था। लेकिन इस बार की जो पैरालंपिक खेल हुई है इसमें भारत का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। इसमें जो है भारत ने 19 पदक जो है जीता है जो कि ऐतिहासिक है। इसलिए जो है कम से कम एक क्वेश्चन तो टोक्यो पैरालंपिक से तो आएगा ही आगा। तो इसलिए जो है आप जो इसे इग्नोर नहीं कीजिए, आप इसे अच्छा से देखिए। ज़्यादा ना देर करते हुए चलते हैं टोक्यो पैरालंपिक के फैक्ट के बारे में। देखिए, टोक्यो पैरालंपिक का मतलब क्या हुआ? जैसे ही पैरालंपिक शब्द लग गया तो इसका मतलब हुआ कि वैसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं या विकलांग होते हैं, वैसे लोगों के लिए जो है पैरालंपिक खेल का जो है आयोजन किया जाता है। और यह जो है ठीक ओलंपिक की तरह ही जो है 4 वर्ष पर होता है। जैसे इस बार ओलंपिक का खेल कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था, तो टोक्यो ओलंपिक। और पैरालंपिक का भी खेल जो है वही हुआ, तो इसलिए जो है टोक्यो पैरालंपिक, टोक्यो जो है नाम दिया गया है। आइए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हम ओलंपिक के साथ जो है पैरालंपिक को भी जो है अंतर करते हुए बताएंगे। देखिए, जैसा कि यह जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल जो है 2020 का जो कि 21 में हुआ, या जो 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक है, कितना नंबर का? 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल को। वही अगर पूछ दे कि ओलंपिक कितना नंबर का था तो कुछ नहीं करना है, दोगुना कर देना है, 32वां जो है ग्रीष्मकालीन। अगर पूछ दे इसका आयोजन कब से कब किया गया तो देखिए, इसका आयोजन जो है पैरालंपिक का 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक किया गया था, जो कि 13 दिन था। लेकिन अगर बात करें कि टोक्यो ओलंपिक का, तो देखिए इसमें जो आपको कुछ नहीं करना, 1 महीना घटा दीजिए, 1 महीना पीछे जाइए और 1 दिन घटा दीजिए, 23 जुलाई से लेकर जो है 8 जो है अगस्त तक जो है यह जो चला था, कितने दिन तक? तो 17 दिन तक चला था। ऐसे याद करिए, आपको याद अच्छा से हो जाएगा। अब अगर बात करें कि उद्घाटन समारोह, तो देखिए उद्घाटन जो है जापान के सम्राट नारुहितो ने किया था, क्योंकि जापान में ही खेल हो रहा था। और ओलंपिक का भी जो है उद्घाटन जो है उन्होंने ही किया था। अब इम्पोर्टेंट देखने वाली बात यह है कि पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष एंड्रयू पार्सर्स थे। वहीं अगर बात करें कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जो है कौन थे, तो मरियप्पन थे। लेकिन मरियप्पन को जो है कोविड जो है संक्रमण के कारण जो है उसे जो है जगह नहीं दिया गया, और उसके बदले में जो है भाला फेंक एथलीट जो है टेक चंद्र, उसे जो है क्या किया गया, तो भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया। वही अगर पूछ दे कि आपसे कि ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन था, तो देखिए ओलंपिक में 2 ध्वजवाहक थे, पुरुष में और महिला में। पुरुष में कौन थे? तो मनप्रीत सिंह थे। और अगर महिला की बात करें तो MC मैरी कॉम थे। ये बात कर ले समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो देखिए पैरालंपिक में जो है अवनी लेखरा थे, जो कि जो है 2 पदक जो है इस बार जो जीती हुई है। लेकिन अगर बात करें कि ओलंपिक में कौन थे, तो ओलंपिक में कौन थे, तो बजरंग पुनिया थे, क्योंकि सबसे लास्ट में वही खेला हुआ था ओलंपिक में, तो बजरंग पुनिया। और इसमें अगर बात करें तो अवनी लेखरा सबसे लास्ट तक जीती थी, तो इसलिए अवनी लेखरा का जो है समापन समारोह का जो है ध्वजवाहक बनाया गया। अगर बात करें मॉस्केट की, शुभंकर की, तो देखिए शुभंकर जो है पैरालंपिक का सोमाइटी था। और लेकिन अगर बात करें कि ओलंपिक का शुभंकर क्या था, तो मिराई टोबा, जो कि जापानी शब्द था। तो ऐसे करके याद करिए, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। आदर्श वाक करें बात, तो देखिए यूनाइटेड बाय इमोशन है पैरालंपिक का। लेकिन अगर ओलंपिक की बात करें तो क्या था? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, इतना तक तो पहले से था। लेकिन उसमें जो है 2021 में जो है क्या जोड़ा गया था, तो उसमें टुगेदर जोड़ दिया था, मतलब टुगेदर। तो आपको यह याद रखना है, क्योंकि पहले से फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर था, लेकिन उसमें जो इस बार टुगेदर जोड़ा गया था। और इस बार का पैरालंपिक में क्या है? एड बाय इमोशन। लेकिन ओलंपिक में जो है उसकी मुख्य विषय की बात करें तो सेम है, यूनाइटेड बाय इमोशन जो है ओलंपिक का भी जो है मुख्य विषय है। तो आपको ये जो है याद रखना है। आइए अब बात कर लेते हैं भारतीय दल की बारे में। तो देखिए भारतीय दल का जो प्रमुख था
पैरालंपिक में वो कौन था, तो गुरु शरण सिंह। कौन थे? गुरु शरण सिंह, जो कि भारतीय पैरालंपिक समिति के प्रमुख है, वो थे। लेकिन अगर बात करें कि ओलंपिक में कौन थे, तो वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। आपको ऐसे करके याद करिए, बहुत अच्छा से याद होगा। पैरालंपिक में 54 सदस्य थे। अगर बात करें इसमें जो है कितने पुरुष थे, तो पैरालंपिक में 40 पुरुष थे और 14 महिला थे, जो कि 54 हो गया सदस्य। अगर बात करें कि ओरिजिनल में खिलाड़ियों की संख्या, लेकिन अगर बात करें कि ओलंपिक में कितने थे पुरुष, तो 71 पुरुष थे और 56 जो है महिला थे। लगभग 127 जो एथलीट जो थे भाग लिए थे किसमें, तो ओलंपिक खेल में। तो ऐसे करके याद करिए। देखिए अब ओलंपिक में एक बार क्वेश्चन पीछे से भी पूछ दिया था, तो इसलिए पैरालंपिक का देख लेते हैं। रियो 2016 में जो है कितने सदस्य थे, तो रियो 2016 पैरालंपिक में जो 19 सदस्य भाग लिए थे, उसमें भारत जो कितने पदक जीते थे, तो भारत जो है 4 पदक जीते थे, 2 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते थे। अब देखिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब है क्या, अब देखिए पैरालंपिक की बात करें तो इसमें जो है भारत कितने खेलों में हिस्सा लिए थे, तो देखिए 22 खेल था पैरालंपिक में टोटल, और इसमें जो भारत जो है कितने खेल में हिस्सा लिए थे, 9 खेल में जो हिस्सा लिए थे। और इसी का अगर दोगुना कर दीजिएगा, मतलब कितना, तो 18 अगर कर दीजिएगा, तो ओलंपिक में जो भारत ने 18 खेल में जो है हिस्सा लिया था, कितने में, 18 खेल में। ऐसे करके याद करिए, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। अब इसे आगे आइए बढ़ते हैं। तो देखिए 2 नए खेल जो है इस बार जो है पैरालंपिक में जोड़े गए, कौन कौन, बैडमिंटन ट्वाइक्वांडो। लेकिन अगर बात करें ओलंपिक में कितने खेल जोड़े गए थे इस बार, तो 4 खेल जो है जोड़े गए थे। अब आइए देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही पदक तालिका से जो है क्वेश्चन जो है पूछा है, कई बार पूछा। इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, 3 चीज़ आप याद रखिए कि फर्स्ट नंबर पर कौन थे, उसका कितना स्वर्ण पदक था, कितना रजत पदक था, कितना कांस्य पदक था, और कुल जो है कितने जो है पदक की संख्या। ये आपको याद रखना है सिर्फ इसी वे में, जो जैसे हम कॉपी में लिखाए हुए हैं। और उसमें देखना है कि 10वां नंबर पे कौन था, तो अजरबैजान, 14 स्वर्ण रजत, इसी प्रकार से आप याद करिए। और इसमें अगर बात करें तो पैरालंपिक 2020 में भारत जो है कितने नंबर पे आए थे, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार ओलंपिक में पूछा गया है। भारत जो इस बार 24वें स्थान पर थे पैरालंपिक में, लेकिन अगर पूछते कि ओलंपिक में कितने स्थान पर थे, तो सिर्फ इसका दोगुना कर दीजिए, कितना, 48वां स्थान। तो ओलंपिक में 48वां स्थान पर भारत थे और पैरालंपिक में 24वां स्थान पर। तो ऐसे करके जो है आप याद रख सकते हैं दोनों खेलों को। आइए अब देखते हैं भारत का प्रदर्शन क्या रहा टोक्यो पैरालंपिक में। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ से बन सकता है अवनी लेखरा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह जो 2 पदक जीते हैं, कौन कौन, तो स्वर्ण पदक भी जीते और कांस्य पदक भी जीते, निशानेबाजी में दोनों में। अब निशानेबाजी में देखिए स्वर्ण पदक किसने में, अब स्वर्ण पदक देखिए किस में जीता, तो 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में जो है यह जो है जीता है, और जो है कांस्य पदक जो है 50 मीटर राइफल में जो है जीता है। तो ये जो है आपको जो है याद रखना है, कौन, तो अवनी लेखरा जो है 2 पदक जो है जीते। और याद रख, और ये भी याद रखना है कि अवनी लेखरा ही जो है समापन समारोह के जो है ध्वजवाहक थे। आइए अब देखते हैं दूसरा, सुमित अंतली, यह भी जो है स्वर्ण पदक जीते किस में, तो एथलेटिक्स में, जेवलिन थ्रो जैसे भाला फेंक कहते हैं, वो ओलंपिक में कौन जीता था, तो नीरज चोपड़ा जीता था। लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट ये आप ये याद रखिएगा कि कितना जो है मीटर जो यह जो है फेंका था, तो आप जो है यह जो है देख सकते हैं, टाइम कम है इस। अब देखिए तीसरा नंबर है प्रमोद भगत, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यह जो है बिहार से ही आते हैं, कहाँ के हैं, तो हाजीपुर के हैं। पूछ देगा कि प्रमोद भगत कहाँ के थे, तो हाजीपुर के थे। इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता किस में, बैडमिंटन में जो है यह जो है जीता है। अब देखिए मनीष नरवाल, यह भी जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, ये कहाँ से हैं, हरियाणा से हैं, निशानेबाजी में, कितने में, तो 50 मीटर पिस्टल में। कृष्णा नागर, यह जो है स्वर्ण पदक जीता है, और सबसे कृष्णा नागर स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन में, कहाँ के हैं, तो जयपुर राजस्थान के हैं। और यह जो बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो दूसरे भारतीय बन गए हैं। अब देखिए भाविना पटेल, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो पैरालंपिक में जो पदक कोई जीता था, तो रजत पदक के रूप में भाविना पटेल ने ही जो है सर्वप्रथम जो है जीता था। किस में? तो टेबल टेनिस में जीता था। और यह जो है गुजरात के मेहसाना जिले के हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा भी है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत से सर्वप्रथम जो पहला पदक जो है इन्होंने जो है जीता था। और यह जो है खेल दिवस के दिन जीता था। किस दिन?
तो मेजर ध्यानचंद्र के जो है खेल दिवस जो है उसी दिन जो है इन्होंने जो है जीता था। अब देखिए निषाद कुमार, यह जो है हिमाचल प्रदेश से आते हैं और इन्होंने जो एथलेटिक्स में जो है रजत पदक जीता। और योगेश कथुनिया, यह भी जो है रजत पदक जीता है, एथलेटिक्स में जीता है। देवेंद्र झाझड़िया, रजत पदक जीता है, एथलेटिक्स में जीता है, राजस्थान के चूरू जिला के हैं। और जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल सहित 3 पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अब देखिए मरियप्पन ठंगावेलु, तो यह भी जो है रजत पदक जो है जीता है, और यह जो 2016 में भी जो है स्वर्ण पदक जो है जीता था। अब देखिए प्रवीण कुमार, यह जो है रजत पदक जीता है, नोएडा से हैं और एथलेटिक्स में जीता है। सुहास यतिराज, यह जो है रजत पदक जीता है, बैडमिंटन में है, और ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा के जिला अधिकारी हैं। देखिए यह जो है इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है सुहास यतिराज। अगर पूछ दे कि कौन जो है जिला अधिकारी जो है इस बार जो रजत पदक जीता है पैरालंपिक में, तो कौन, तो सुहास यतिराज, बैडमिंटन में जीता है। अब देखिए सिंहराज अधाना, यह जो है रजत पदक जीता है निशानेबाजी में, और यह जो 2 पदक जीता है, तो एक तो याद रखना है 2 पदक जीतने वाले कौन थे, तो अवनी लेखरा थे, उन्होंने जो है जीता था, और दूसरा जो है सिंहराज अधाना, इन्होंने भी जो है 2 पदक जीता है, रजत पदक और कांस्य पदक। रजत पदक किस में, निशानेबाजी में, और कांस्य पदक भी निशानेबाजी में जीता है। अब देखिए शरद कुमार, ये जो है इम्पोर्टेंट आ जाता है, बिहार से जब भी कोई चीज़ बनकर आ रहा है तो आप उसे इग्नोर नहीं करिए। शरद कुमार, यह जो है कांस्य पदक जीता है, एथलेटिक्स में जीता है, और यह कहाँ के हैं, तो मुजफ्फरपुर बिहार के हैं। और बिहार से जीतने वाले जो है 2 जीते हैं ना, एक कौन जीते, प्रमोद भगत, लेकिन उससे पहले जो है इस बार जो है शरद कुमार जीता, और उसके बाद जो प्रमोद भगत जीता था, तो इसलिए जो पहले बिहारी पैरा एथलीट कौन बने, तो शरद कुमार जो है पहले बिहारी पैरा एथलीट बने। अब देखते हैं सुंदर सिंह गुर्जर, यह जो है कांस्य पदक जीता एथलेटिक्स में। हरविंदर सिंह, कांस्य पदक जीता तीरंदाजी में। मनोज सरकार, कांस्य पदक जीता बैडमिंटन में। अब आप बात कर लेते कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कि ओलंपिक में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो इसलिए जो है इस बार पैरालंपिक से ऐतिहासिक रहा है, तो इसलिए जो है पैरालंपिक ऐतिहासिक रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ देगा कहीं कि प्रथम पैरालंपिक खेल कब हुए थे, तो आप क्या करिएगा, तभी ढूंढने जाइएगा, नहीं ना, तो इसलिए आप याद कर लीजिए कि प्रथम पैरालंपिक खेल जो है रोम में हुआ था 1960 ईस्वी में। ओलंपिक में कहाँ पर हुआ था, तो एथेंस में, ऐसे करके याद रखिए। अब देखिए प्रथम बार पैरा एथलीट ने व्हील चेयर के साथ खेल में हिस्सा लिया, किस में लिया था, तो टोक्यो पैरालंपिक 1964 में जो है व्हील चेयर के साथ जो है खेल में हिस्सा लिया था। अब देखिए प्रथम बार नेत्रहीन एवं रीढ़ की हड्डी के चोट वाले एथलीट हिस्सा कब बने थे, किस पैरालंपिक में, तो म्यूनिक पैरालंपिक खेल में जो है पहली बार जो है हिस्सा लिए थे। पहली बार दिमाग से कमजोर एथलीट को पैरालंपिक में कब शामिल किया गया था, तो ब्रिटेन और अमेरिका ने जब मिलकर जो है खेल का आयोजन कराया था उस बार। अब आइए देख लेते कोविड एवं क्वालिफाई के कारण भाग नहीं लेने वाले कौन कौन देश है इस बार। इस बार जो कोविड एवं क्वालिफाई के कारण जो 21 देश जो है भाग नहीं लिए हैं। भारत की प्रथम पैरा केनोइस्ट जिसने प्रतिभाग में अर्हता प्राप्त की है कौन है, तो प्राची यादव है। भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला पावर लिफ्टर कौन बन गई, तो साकीना खातून जो है 50 kg स्पर्धा में जो है बन गई है। 5 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य सहित 7 पदक जीतने वाले सबसे सफल एथलीट कौन है, तो यूक्रेन के हैं मैक्सिम काइफाक, यह जो है सबसे सफल एथलीट बन गए हैं। आइए देखिए अब खेल का वीडियो जो है हम 15 दिसंबर के बाद ही बनाएंगे, उससे पहले जो कुछ जो है अब जो है पुरस्कार का वीडियो हम लेके आएंगे। क्यों, क्योंकि 15 दिसंबर तक का अगर बनाएंगे न्यूज़ को कवर करते हुए, तो आपको जो है बेनिफिट होगा कि अगर कहीं दिसंबर से अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगा, तो इसलिए जो है अब जो खेल का 2 टॉपिक बचा हुआ है वो 2 वीडियो जो है 15 दिसंबर के बाद ही आएगा। अब जितने भी पैरालंपिक से क्वेश्चन थे सारे को जो है हम डिस्कस कर दिए हैं, आप ज़रूर देखिए।